मैं चंद्रशेखर बिरथरे घमासान.com में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर सत्यनारायण व्यास, जो इंदौर की एक सांस्कृतिक गतिविधियों से, सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ी हुई संस्था सूत्रधार का संचालन संयोजन पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और इंदौर का सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे नाटकों का और अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का और भी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फीचर फिल्मों का प्रदर्शन सूत्रधार के द्वारा किया गया, सफलतापूर्वक किया गया। और इंदौर की जो प्रतिभाएं हैं, रंगकर्म की प्रतिभा हैं, उनको यहाँ पे एक अच्छा मंच प्रदान किया गया। मैं जानना चाहूँगा व्यास सर आपसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हैं नाटक, हिंदी नाटक के लिए। हिंदी नाटकों के क्षेत्र में इंदौर में इस समय बड़ी अच्छी ऊर्जा देखने को मिल रही है। यहाँ काफ़ी नाट्य दल सक्रिय हैं और युवा वर्ग बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है जी, देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये हकीकत है कि स्थितियाँ कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। युवा वर्ग वास्तव में संघर्ष कर रहा है और अच्छे हाल नहीं, अच्छे सभागृह नहीं हैं। जो सभागृह हैं उनका शुल्क इतना ज़्यादा है कि कोई दे नहीं सकता उनको, तो आर्थिक स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। और पता नहीं किस तरीके से युवा वर्ग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, कैसे कर रहा है, ये मुझे भी कभी कभी बड़ी हैरत होती है देख करके। लेकिन ऊर्जा उनकी बहुत असीमित है और बड़ी अच्छी दिख रही है। इस समय कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषी नाटक करते हैं, हिंदी नाटक करते हैं और बड़े अच्छे सक्रिय हैं। और कुछ दल काफ़ी पुराने हैं और विशेष रूप से मराठी नाटकों के मंचन में सक्रिय रहे हैं और अभी भी मराठी नाटक कर रहे हैं वो। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति उत्साहवर्धक है और युवा वर्ग संघर्ष कर रहा है लेकिन फिर भी काम कर रहा है। मुझे अभी भी, जैसे मैं भी रंगकर्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कई बार ये सुनने में भी आता है कि रिहर्सल के लिए जगह नहीं मिलती नाटकों की, नाटकों के रिहर्सल के लिए कई बार ऐसी स्थिति बनती है। कुछ संस्थाएं हैं जिनके अपने खुद के स्थल हैं, लेकिन कई संस्थाएं हैं जिनके पास रिहर्सल के लिए जगह नहीं है। और उस संबंध में मेरे ख्याल से इंदौर रंगकर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला उनको। मुझे लगता है कि रंगकर्मियों को अपने ही स्तर पर इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेंगे। और जहाँ तक रिहर्सल के स्थान की बात है, आप देखें इंदौर शहर में इतने सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और ये स्कूल कॉलेजेस लगभग हर क्षेत्र में, हर इलाके में हैं। और आप देखेंगे कि ये स्कूल कॉलेजेस दिन भर सक्रिय रहते हैं लेकिन रात को ये सबके सब मतलब बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर थोड़ी प्रयत्न किया जाए, थोड़ी कोशिश की जाए और इन लोगों से संपर्क किया जाए तो स्कूल या कॉलेजेस के हॉल रिहर्सल क्यों नहीं उपलब्ध हो सकते, उपलब्ध किए जा सकते। मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा और प्रयत्न करना जरूरी है और संबंधित लोगों से मिला जाए और जो भी बाधाएं हो छोटी या मोटी उनका निराकरण किया जाए और उनको उपलब्ध कराया जाए। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात व्यास सर, ये एक और है कि जो आपने जैसे बोला प्रेक्षागृह नाटकों के लिए जो भी हॉल्स हैं वो बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। और जैसे मैंने देखा है कि आपके भी कई कार्यक्रम, आपने भी कई नाटकों का आयोजन प्रीतमलाल दुआ सभागृह में किया। और प्रीतमलाल दुआ सभागृह अपने आप में एक ऐसी दुविधापूर्ण जगह है जहाँ पर नाटक करना, क्योंकि स्टेज बहुत छोटा। दूसरा, मैं जब लास्ट पिछली बार गया था तो पंखे वंखे भी नहीं चल रहे थे, मैंने लिखा भी था उसके बारे में। अब एक जो बड़ा हॉल यहाँ पे था रवि नाट्यगृह, उसको तो कोई भी, मतलब जिसको एक संस्था जिसने उसका मेंटेनेंस का ठेका लिया था और उसने मेंटेनेंस के ठेके में उसको हड़प लिया। एक हॉल और सरकार के द्वारा राजेंद्र नगर में दिया जाने वाला था लेकिन आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ले देखे अभी जो आनंद मोहन माथुर सभागृह है उसमें नाटकों के लिए 15,000 रुपये उन्होंने किए, लेकिन फिर भी नाटक जब किया जाता है तो लाइट्स, सेट्स, इन सब में जो खर्चा आता है कम से कम 20 से 25,000 रुपये खर्चा आ जाता है। और एक और मेरी पीड़ा है
कि नाटकों में जो भी रंगकर्मी काम करते हैं उनको कोई मेहनताना नहीं मिलता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, आपने काफी प्रश्न उठाए हैं, मैं जवाब देता हूँ सबका। जी, पहली बात तो यह है कि इंदौर में नाटकों के लिए तो कोई सभाग्रह है ही नहीं, कोई सभाग्रह नाटक के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आप अगर भोपाल जाएं, भोपाल में आप देखिए कि 2 किलोमीटर के दायरे में आपको 6-7 नाट्य सभाग्रह मिलेंगे। भारत भवन है, सामने रविंद्र नाट्यगृह है, फिर शहीद भवन है, फिर जनजातीय संग्रहालय का भवन है, फिर राज्य संग्रहालय का भवन है। जी, 6-7 और सारे के सारे सभाग्रह 250 से 300 की कैपेसिटी के हैं और बड़े कॉम्पैक्ट हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, तो वहाँ नाटक करना बड़ा अच्छा लगता है और लोगों को पसंद भी आते हैं। इंदौर में आपने जैसा कहा प्रीतमलाल दोहा सभाग्रह का, हमने जब भी वहाँ प्रीतमलाल दोहा सभाग्रह में नाटक किए हैं तो मंच को हमेशा 4 फीट और आगे बढ़ाया है, तो मंच को हमने बड़ा किया है, फिर साइड में विंग्स भी लगाते हैं, पीछे बैकड्रॉप लगाते हैं। और कई रंगकर्मियों ने तो मुझे ये कहा कि प्रीतमलाल दोहा में जब अपन मंच को आगे बढ़ाते हैं तो वो हॉल एक इतना अच्छा कॉम्पैक्ट हॉल बन जाता है कि वहाँ कलाकारों और दर्शकों के बीच में बिल्कुल 1-to-1 मतलब करस्पॉन्डेंस होता है, संवाद स्थापित बड़ा, तो वो काफ़ी अच्छा हॉल है। मुझे लगता है कि उसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर उस हॉल को दुरुस्त कर दिया जाए और उसमें जो भी कमियाँ हैं, जैसे आपने पंखे की बात की तो वो कई सालों से उसका मेंटेनेंस हुआ ही नहीं है, तो अगर वो मेंटेनेंस ढंग से हो जाए, एसी वगैरह उसमें चल जाए, और जो हम हमेशा स्टेज को आगे बढ़ाते हैं तो वो अगर परमानेंटली स्टेज को आगे बढ़ा दें तो एक बड़ी समस्या हल हो जाए और एक शहर के बीचों बीच एक छोटा सा हॉल हमें मिल जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कोठारी मार्केट में जो पालिका प्लाजा है पीछे की तरफ, वहाँ एक हॉल बना हुआ है कम से कम 250 की कैपेसिटी का, दूसरी मंजिल पर वो हॉल है, और आप उसको जाकर के देखेंगे पिछले कई सालों से उसमें भंगार हो रहा है, वो हॉल उसमें धूल की परतें जम रही है, एक के ऊपर एक पूरा हॉल बना हुआ है कंप्लीट, बड़ा स्टेज है वहाँ पर, दर्शकों के लिए सीढ़ी नुमा पूरी दीर्घा है, सब लॉबी है, सब कुछ पूरा हॉल बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हॉल लोगों को दिया नहीं जा रहा है। पिछले कई सालों से ऐसी, मैं उसको कई बार जाके देख चुका हूँ और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो इतना दुख होता है देख करके कि शहर के बीचों बीच है यह हॉल और ये क्यों नहीं लोगों को दिया जा रहा है। तो इस तरह की काफ़ी समस्या है यहाँ पर। और जैसे कि आपने पेमेंट की बात की और आर्थिक चीज़ की बात की, मुझे लगता है ये तो इंदौर में नहीं, ये सर्वव्यापी एक तरह से प्रॉब्लम है। आप कहीं भी जाएं नाटकों में तो कहीं कोई इनकम लोगों को मिलती नहीं है, हालांकि ऐसा भी देखने में आया है कुछ ग्लैमरस नाटक होते हैं। अभी अभी आपने सुना होगा बम्बई में एक नाटक चल रहा है मुगले आजम जी, उसके मिनिमम टिकट 2500 का है और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा टिकट 25000 का है और उसके शो हाउसफुल हो रहे हैं, तो आप देखिए कि नाटक में कितना पैसा हो लोग कमा रहे हैं, मतलब लेकिन वो ग्लैमर के हिसाब से, मतलब उसमें ग्लैमर पैदा कर रहे हैं, तो शायद उस ये भी एक दृष्टिकोण है कि हम नाटक में कुछ। मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ कि देखिए मुंबई जहाँ मेट्रो शहर की बात होती है, जैसे मुंबई में सर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वहाँ पे खुद एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाटक टिकट लेके देखने जाता है जी, और उससे जो इनकम होती है, जैसे मिठाबाई देसाई हॉल है और भी बहुत सारे हॉल हैं, तो वहाँ पे चूंकि प्रोफेशनलाइज तरीके से पूरा व्यावसायिक तौर पे वो नाटक खेलते हैं तो उसकी इनकम को वो बराबर भाग में, मतलब हॉल का किराया दूसरी चीज़ों देने के बाद वहाँ पे 500 से 1000 रुपये प्रत्येक जो भी रंगकर्मी रहता है उसको मिलता है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने अभी देख पिछले कई नाटकों मैंने जब देखा है, देखने में आया है कि 100 रुपये सहयोग राशि रखी है, उसके बावजूद भी जो मुख्य कर्ता धरता हैं वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन एक तरह से जो रंगकर्मी छोटे रंगकर्मी हैं, जो छोटे छोटे कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो रही है सर। सही बात। इसलिए और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी संस्था, हालांकि आजकल देखिए मैं किसी संस्था विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक संस्था है जो जिन उनको जो धनराशि मिलती है सरकार से, क्योंकि वो क्या होता है 11 लोगों की कमेटी बना के एक संस्था बना लेते हैं और उनको सरकार से वो मदद, सालाना कुछ मदद मिलती है, तो एक संस्था देखी मैंने
जिनके बारे में मेरी थोड़ी जानकारी है, उनको पैसा मिलता है तो बराबर थोड़ा थोड़ा जो है हर रंगकर्मी को उसके आर्थिक बैकग्राउंड को देखते हुए सहयोग करते हैं। लेकिन अभी अगर सर इस संबंध में अगर हमने उचित कदम नहीं उठाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इंदौर के रंगकर्म के लिए। अब देखिए रस भारती जैसी संस्थाएँ, जैसे आपने बताया, वो बाहर से ग्रुप्स को बुलाती है बॉम्बे से, और जो बॉम्बे से ग्रुप आता है वो बकायदा 1,00,000 रुपये 50,000-60,000 लेता है, आने जाने का किराया लेता है, और उसके टिकट भी 500 से 1,000-1,200 तक होते हैं। जी बिल्कुल। और उनकी प्रस्तुतियाँ होती है डेली कॉलेज में या एमरल्ड हाइट्स में। तो अच्छा, उन वो सब चीज़ों को देखते हुए हो क्या रहा है कि सर कोई भी बच्चा जब रंगकर्म के लिए तैयार होता है, संस्था ज्वाइन करता है, 1 साल 2 साल के बाद उसका धैर्य टूटता है, या दो चीज़ें होती है उसके सामने। एक तो क्या करता है वो कि मुंबई की तरफ प्रस्थान कर लेता है जी, और रंगकर्म को बिल्कुल छोड़ देता, जहाँ उसने सीखा समझा चीज़ों को वो पीछे छूट जाता है। सही बात। तो ऐसे कुछ गिनी चुनी, जैसे मराठी रंगकर्म हमारा बहुत समृद्ध है इंदौर का, नाट्य भारती और भी संस्थाएँ हैं जो चल रही हैं, लेकिन वहाँ भी मैं जहाँ तक जानता हूँ कुछ न कुछ किसी भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जाता है कलाकारों की। लेकिन हिंदी रंगकर्म की ये पीड़ा और व्यथा है कि यहाँ मुझे ये नहीं लग रहा है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि कई लोग जो हैं, कई संस्था बना के सारा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी नाटक भी अच्छे कर रहे हैं, मेहनत भी हो रही है, रिहर्सल भी लगातार 3-3 महीने रिहर्सल करते हैं, मेहनत करते हैं, और प्रस्तुति उस नाटक की कितनी होती है, 3 या 4, इससे ज़्यादा प्रस्तुति नहीं कर पाते। सही बात है। और जब ज़्यादा प्रस्तुतियाँ होंगी तभी जाके रंगकर्म जो है एक व्यावसायिक रूप से सफल होने की संभावना बनती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनौतियाँ तो बहुत हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी रंगकर्म करने वाले रंगकर्मियों को, और जहाँ तक हो कि कम से कम संसाधन में भी वो करना चाहेंगे तो 25,000 से 30,000 रुपये लागत आती है, और वो कई बार लागत नहीं निकलती, कई बार जो संस्था के प्रमुख रहते हैं उनको अपनी जेब से देना पड़ता है। जैसे व्यास जी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो भी सूत्रधार की जैसी संस्था चला रहे हैं, लेकिन सदस्यों से जो सहयोग राशि मिलती है उसके अलावा भी कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि अनावश्यक रूप से अपने आप को एक तरह से समझ लीजिए कि अपने जो समर्पण की भावनाओं को हम भुनाना पड़ता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपने अच्छे विचारों से अवगत कराया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।